अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बाजी जल्दी से बताइए कितने पैसे मिलेंगे इन कंगनों के? माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन इन कंगन की मैं कोई भी कीमत नहीं दे सकता। क्यों? अब ये नकली तो नहीं है, हमारी दादी सास के कंगन है, एकदम ठोस होंगे। हाँ ठोस है, लेकिन इस पर कोई हॉलमार्क का निशान नहीं है। अगर आपके पास इसके रसीद है तो मैं इसे ले सकता हूँ, नहीं तो बिना रसीद को बिना हॉलमार्क के गहने बेचना और खरीदना दोनों कानून जुर्म है। तो मुझे माफ कीजिए, ये लीजिए अपने गहने। अभिनय हम अपने पास तो रख नहीं सकते, जाके वापस डब्बे में ही रख देते हैं। माँ, बुआ, हमने हमने पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन कंगन का ही नहीं है। कंगन कहाँ है हमें पता है, और कंगन गायब नहीं हुए हैं, चोरी हुए हैं। लेकिन जीजी हमारे घर में कौन चोरी करेगा? वो गहने इस गेंदा फूल ने चोरी किए हैं। मालकिन आप किस कंगन की बात कर रही हैं? कंगन चुराना तो छोड़िए, हमने तो कंगन देखे तक नहीं है। झूठी कहीं की, हमने खुद देखा था तुम्हें। तुमने सुजाता की अलमारी को हाथ लगाया था और उसको बंद किया था। हाँ, लेकिन मालकिन वो ड्रॉर खुला हुआ था, हम बस उसे बंद कर रहे थे। राधिका, कोई ड्रॉर नहीं खुला था, अलमारी भी नहीं खुली थी, हमने खुद अपने हाथों से अच्छे से बंद किया था। माँ जी, लेकिन हम सच बोल रहे हैं, जब हम आपके कमरे में गए थे तो अलमारी का ड्रॉर खुला हुआ था, हम बस वही बंद कर रहे थे। आप लोग हमारा यकीन कीजिए, हमने कोई कंगन नहीं चुराए हैं। जब हम तुम्हारे कमरे की तलाशी लेंगे ना, तो सब पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राधिका चोर नहीं है बड़ी दादी। दिव्यम, एक नौकरानी के लिए तुम अपनी बड़ी दादी से जबान लड़ा रहे हो? मैं जबान नहीं लड़ा रहा, मैं जो सच है वही बता रहा हूँ। राधिका इतने वक्त से हमारे घर पे रह रही है, इतनी घटिया हरकत वो नहीं कर सकती कभी भी। उसका तो पता लग जाएगा, जैसे उसके कमरे की तलाशी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, अगर राधिका के कमरे की तलाशी होगी तो फिर इस घर में जितने कमरे हैं सबकी तलाशी होगी। क्या मुन्ना, तू कहना चाहता है कि घर में हम सब चोर हैं? तो मां, आपको लगता है कि राधिका चोर है? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा कि वो चोर हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर घर से गहने गायब हुए हैं तो हम सबको अपने अपने कमरों की तलाशी करनी चाहिए ना। कंगन कहीं भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो कंगन चोरी ही हुए हों, यहाँ वहां भी रखी जा सकती है ना चीजें। पता नहीं इस नौकरानी ने सब पर क्या जादू कर रखा है, सिर्फ इस नौकरानी को छोड़कर सब घर वालों पर शक कर रहे हो। बड़ी दादी, आप भी बिना किसी सबूत के सीधा राधिका पर इल्जाम नहीं लगा सकती ना। चोरी हुई है या कंगन खोए हैं ये आपने कैसे तय कर लिया? पहले देखिए, ढूंढिए, अगर कंगन ना मिले तो शक कीजिए, पुलिस को बुलाइए, वो देखेंगे। अगर हम तलाशी करेंगे तो इस घर के हर एक कमरे की तलाशी करेंगे। ठीक है, सबकी तलाशी होगी, लेकिन सबसे पहले इस गेंदा फूल के कमरे से ही तलाशी शुरू होगी। सबके कमरों की तलाशी होगी तो हम तो पकड़े जाएंगे, क्योंकि हम तो इसे कमरे में ही रखने जा रहे थे, अब कैसे जाएं?
कली तुम ठीक हो और अभी आ कहां से रही हो? वो सास जी हम बाहर बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे, बस वहीं से आ रहे हैं। कली रुको, कोई भी कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं और गोलू भैया पूरे घर की तलाशी नहीं ले लेते। सब लोग यहीं रहेंगे, पता चल जाएगा कि चोरी हुई है या कंगन यहां वहां रख दिए गए। हे भगवान, ये तो बुरे फंसे, अब क्या करें? कुछ भी करिए भोलेनाथ, पर बड़ी दादी की कंगन जल्दी से दिलवा दीजिए। ऐसे कैसे घर से कंगन गायब हो सकते हैं, कौन लेगा उन्हें? दादी ने ये जो घटिया इल्जाम लगाया है ना राधिका पर, ये उसके सर से हटाने के लिए और राधिका को बुरा ना लगे ना, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मैं समझ सकता हूँ दिव्यम, लेकिन सच का पता चलना जरूरी है ना। हे भगवान, कुछ कीजिए भगवान, मेरे होने वाले बहू के कंगन मिल जाए, बस कुछ कीजिए भगवान। मिल जाएंगे, शांत हो जाओ। जीजी, आपने देख लिया ना, राधिका के कमरे से कुछ नहीं मिला। सबके कमरे की तलाशी हो जाने दो, उसके बाद हम बोलेंगे। हम क्या करें, अगर इल्जाम हम पर आ गया तो? नहीं नहीं, हमें कुछ तो करना होगा। हम पानी पीकर आते हैं। ए, स्टैचू, दिव्यम ने बोला है ना कोई कहीं नहीं जाएगा, मतलब कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम चुपचाप यहीं पर खड़ी रहो। देर प्यासी रहोगी तो मर नहीं जाओगी तुम। बस ये बड़ी दादी का कमरा बचा है, यहां भी देख लेते हैं। अब देखिए, बड़ी दादी, मैंने और गोलू भैया ने पूरे घर की तलाशी ले ली, कंगन कहीं नहीं है। इस घर में जितने भी बैग्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं और इनमें राधिका के बैग्स भी हैं। आपकी तसल्ली के लिए आप चाहे तो खुद चेक कर सकती हैं। अगर कंगन चोरी हुए भी हैं तो राधिका ने चोरी नहीं की है, उस पर ऐसे चोरी का इल्जाम मत लगाइए। ठीक है, गेंदा फूल के कमरे की तलाशी तो तुमने ले ली, पर क्या गेंदा फूल की तलाशी ली? और क्या पता इसने अपने कपड़ों में या कहीं पल्लू अल्लू में छुपा के रखा हो? तलाशी तो गेंदा फूल की होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर राधिका की तलाशी होगी तो इस घर में जितने लोग हैं सबकी तलाशी होगी। ताई जी, आप माँ की तलाशी लेंगी और माँ आप सबकी तलाशी लीजिए। कुछ नहीं है। कुछ नहीं, रुको, उसकी तलाशी हम लेंगे। हाथ ऊपर करो। बड़ी दादी, आप
तसल्ली हो गई ना आपको कि राधिका ने चोरी नहीं की? प्रभा, हम तुमसे कह रहे हैं, इसने या तो कहीं छुपा दिए हैं या कहीं बेच दिए हैं। जीजी, कहाँ ये छुपाएगी इनमें बताइए, और कहाँ बेच कर आएगी? पूरा दिन ये घर पर थी। माँ, आप कली की तलाशी लीजिए, और उसकी तलाशी लेने के बाद दादी और बड़ी दादी की तलाशी लीजिएगा। हम तो बुरे फंसे, अब तो सीधा जेल ही भेजेंगे ये लोग हमें। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।